हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज गाइस हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि आपके पर्सन की दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले तभी आप इसको देख सकते हैं, कोई टाइम बाउंडेशन इसके लिए नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए ये रीडिंग है, ठीक है, कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्लॉक्ड है, उनके लिए ये रीडिंग है। देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए गाइस, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को एहसास हो गया है कि किसी पर्सन की कितनी अहमियत होती है लाइफ में, जबकि उन्होंने आपकी कदर को जाना नहीं, आपके बारे में उन्होंने कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं, आपको हमेशा टॉर्चर करते रहे, आपके साथ में बहुत बुरा बर्ताव करते रहे। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बार बार टावर इंटरवेंशन आता होगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप बार बार टावर से गुजरे होंगे। आपकी लाइफ में रोज़ आए दिन कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होता होगा, छोटी छोटी बातों को लेकर के राय का पहाड़ बनाया जाता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को वो सारी बातें अभी रियलाइज़ हो रही हैं और उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो जो है गिल्टी फील कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये सब मैंने क्यों कर दिया, ये सब मैंने क्यों किया, इस पर्सन को मैंने इतने दुख क्यों दिए, ये डिज़र्व नहीं करता था फिर भी मैंने इसको इतना दुख दिया। और ये सब सोच विचार करके जब उन्होंने अपने आप को हील किया है, गॉड को सरेंडर किया है, तब उनके अंदर अभी ट्रांसफॉर्मेशन आने लगा है, अभी वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए दूसरे डेक से और देख लेते हैं कि क्या एनर्जी है उनकी। चलिए देखते हैं और क्या एनर्जी है। काफ़ी टेंशन में हैं आपके पर्सन, नेचर से जुड़ भी रही हैं फिर भी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। स्पिरिट गाइड्स उनको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही हैं फिर भी वो खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हर चीज़ में वो खुशी ढूंढ रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं उनका अभी जो है रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, तब उनको ये एहसास हो रहा है कि ये बार बार टावर इंटरवेंशन क्यों आया, क्यों मैंने ऐसा किया, तभी उनको गिल्ट फील हो रहा है। और उनको कहीं ना कहीं जो है अभी एहसास हो रहा है कि मैंने इस पर्सन को इतना दुख क्यों दिया, क्योंकि वो आपके प्रति अभी भी जो है बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन फील करते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से वो सोच रहे हैं, यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ हर्ट, उनका दिल जैसे आप ही के पास में हो, ऐसा वो सोच रहे हैं कि मैंने दिल दिया तो सिर्फ एक पर्सन को ही दिया, वो मेरी व्यूअर्स हैं, इसी वजह से वो सोच रहे हैं कि ये सब क्या हो गया मेरे साथ में। सोच रहे हैं कि मैंने तो सच्चा प्यार उन्हीं से किया था, ठीक है, और यहाँ पर विक्ट्री चाहते हैं, वो आपको पाना चाहते हैं, हर कीमत पर वो आपको पाना चाहते हैं, कभी भी खोना नहीं चाहते हैं। चलिए और देखते हैं क्या निकल कर आता है। देखिए उनको ऐसा लगता है कि हमारे इस जीवन में बहुत सारे दुश्मन हैं जो हमें एक होने नहीं देते हैं, इस वजह से भी उनको बहुत दुख हो रहा है और वो इन चीज़ों को हील भी कर रहे हैं, रेस्ट एंड रिजनरेट वो हील कर रहे हैं अपने आप को भी। उनका कहीं ना कहीं जो है सेकंड चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है। वाओ, अप्रिशिएट, वो आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएशन का कार्ड है ये, कि वो आपको बहुत ही अच्छा नर्चरिंग और केयरिंग देखते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं लोगों के सामने कि देखो मेरा पर्सन कितना जो है बोल्ड है, कितना स्ट्रांग है, कितना जो है मेरे लिए प्रीशियस है, जिसने अभी तक उफ नहीं की है मेरे सामने, जो इतने पेन से भी गुजरा है, उन्होंने कभी घुटने नहीं टेके मेरे सामने, ऐसा वो देखते हैं और लोगों को बताते भी हैं कि कितना बोल्ड और कितना स्ट्रांग मेरा पर्सन है। और वो आपको काफ़ी अप्रिशिएट भी करते हैं, हो सकता है कि वो आप जॉब में भी हों तो अच्छी पोस्ट पे हों, या काफ़ी इनकम होती हो अभी आपकी और पहले इतनी नहीं होती हो, या आपने अपने आप को हर परिस्थिति में संभाल लिया हो, इसकी वजह से भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं आपको, लोगों को ये बताते हैं कि मेरा पर्सन जो है कितना अच्छा है, जो हर परिस्थिति में अपने आप में खुश रहने की कोशिश करता है, अपने आप को सरवाइव करता है। ठीक है, चलिए दूसरे डेक से देख लेते हैं और क्या निकल कर आता है।
और गाइज ये सभी साइन के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइन इसमें आ जाते हैं क्योंकि कलेक्टिव में सभी साइन आते हैं, तो आपको टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पर टॉरस और वो कैप्रिकॉन, वो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली से बात करने वाले हैं या वो आपके साथ में अपना घर बसाना चाहते हैं, हो सकता है कि वो आपसे बात करें कि मुझे आपके साथ में आगे लाइफ बितानी है, और वो काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ और अब इसको कैसे ठीक किया जाए, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वो आपको जो है एक ऑफ़र दे सकते हैं नई स्टार्ट करने के लिए, काफ़ी सेक्सुअली अट्रैक्शन फील करती हैं आपके प्रति, काफ़ी एडिक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो एडिक्टेड हैं आपसे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अट्रैक्शन अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। कुछ यहाँ पर थर्ड पार्टी भी मुझे नज़र आ रही है कि हो सकता है कि उनकी फैमिली की वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया हो और वो आपको एक सोलमेट भी दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्टी तो मुझे दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों में सेपरेशन हुआ था, अभी आप हो सकता है कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हों या नो कांटेक्ट में हों, क्योंकि मैं रीडिंग भी नो कांटेक्ट की कर रही हूँ और ब्लॉक सिचुएशन की, तो आप मेरे व्यूवर्स को जो आपके पार्टनर ने ब्लॉक किया था वो फैमिली की वजह से ही किया था, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर मौजूद है और पहले भी कार्ड है एनवी का कि हमारे बहुत ज़्यादा दुश्मन है जो हमें चैन से जीने नहीं देते हैं, हो सकता है कि इसी वजह से वो फैमिली से बात करना चाहते हों और वो चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे हैं कि कमी कहाँ है, कमी मेरे व्यूवर्स में नहीं है, कमी इस फैमिली में है, कमी इस डेविल में है, इसी वजह से वो आपके साथ में एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, वो आपको एक सोलमेट देखते हैं। ठीक है, और गाइज देखिए, वो आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली बनाने का सपना देख रहे हैं कि मुझे आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली बनानी है जिसमें हम सभी साथ में हों, बच्चे हों और हम दोनों हों, हमारी एक हैप्पी फैमिली हो, ऐसा वो सपना देख रहे हैं और वो चाहते भी यही हैं। अब उनको रियलाइज़ हो गया है कि ये फैमिली है जो हमें खुश रहने नहीं देती है, इसी वजह से यहाँ पर दुश्मनों वाला कार्ड भी आया है। देखिए, उनको एहसास है कि मैंने किस तरह से अपने पर्सन को फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजरने पर मजबूर किया था और आज वही पर्सन है जिसकी वो लोगों के सामने चर्चा करते हैं, और आज वही पर्सन आप हैं कि आपके साथ में वो हैप्पी फैमिली बनाने का सपना देख रहे हैं। देखिए गाइस, मतलब ये वही पर्सन है जो आपको इतना धोखा देकर गया था, ये वही पर्सन है जो आज आपको अप्रिशिएट करता है, ये वही पर्सन है जो आपको आज इतना सुंदर देखता है। ठीक है, ये वही पर्सन है जो आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली बनाने का सपना देख रहा है, ये देखिए, ये देखिए। लेकिन यहाँ पर डेविल का कार्ड है, यहाँ पर एनवी का कार्ड है, लोग आपके दुश्मन हैं, लोग आपके प्यार के दुश्मन हैं, लोग नहीं चाहते कि आप कभी प्यार से रहें, उनके दिलों में आग लग जाती है जब आप लोग प्यार से रहते हैं, तो इसी वजह से आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ में आ गया है कि ये सब गड़बड़ कहाँ हो रही है, मेरे पर्सन में कोई कमी नहीं है, वो ऐसा सोच रहे हैं, और ये गड़बड़ तो कहीं और ही है, यानी कि फैमिली में हो रही है, और इसी वजह से वो रातों को सो नहीं पा रहे हैं, उनकी नींद हराम हो रही है, वो बहुत टेंशन में है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि ये सब क्या हो गया है, क्यों कर दिया मैंने ऐसा, और हो सकता है कि उनको हेल्थ इशू हो या आप मेरी व्यूवर्स को हेल्थ इशू हो सकती हैं और वो आपको छोड़कर चले गए हों, तब सोच रहे हों कि ये सब क्यों मैंने दुख दिया उनको। वैसे भी फाइनेंशियल क्राइसिस से आपको गुजरना पड़ा था, आपको पेन से गुजरना पड़ा, आपको लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखने पड़े, और अभी आप इतने धक्के खा करके इतने बोल्ड बन गए, इतने स्ट्रांग बन गए हैं कि आपके पास में अभी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी है। कुछ लोगों के पास मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी है, तभी वो आपको एक अच्छा पर्सन देख रहे हैं, और यहाँ पर देखिए वो आपसे रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनका नेक्स्ट स्टेप है आपकी तरफ कि वो आपसे रिकंसिलिएशन करें, आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली बनाएं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइस खुश हो जाइए, आपके पर्सन की अभी एनर्जी बहुत चेंज लग रही है, और चलिए देख लेते हैं कुछ और एडवाइस आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। देखिए, आपको सक्सेस मिलेगी, आप ये ना सोचें कि पता नहीं कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे ये कहा जा रहा है। चूज अ न्यू डायरेक्शन, आपको एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा भी यहाँ पर कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, मुझे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यूनियन इज इन द एयर, मैंने कल परसों भी देखा था, और यहाँ पर मुझे सारे कार्ड बता रहे हैं कि यूनियन आपके पास आ गई है। ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन, आपको सिचुएशन में प्यार लेकर आना चाहिए। एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेस, अभी आपकी जो टफ साइकिल थी वो एंड की तरफ बढ़ रही है, आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस आएंगे, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि आपके यूनियन पास आ गई है,
मैंने कल परसों भी देखा था, यूनियन इज इन द एयर, यानी कि अभी आपकी यूनियन जो है वो पास आ रही है, इसलिए आप जो है आगे बढ़िए, मेडिटेट करिए, गॉड से, डिवाइन से जुड़ने की कोशिश कीजिए, उनसे हेल्प मांगिए, उनको सरेंडर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी आपकी सिचुएशन बेटर हो सकती है। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेज। चलिए उनकी तरफ से कुछ लव मैसेज देख लेते हैं। चलिए देखिए, तुम्हारी आंखें बहुत नशीली हैं, देखिए गाइस, कंट्रोल, वो अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपनी फैमिली पर बहुत गुस्सा आ रहा है। जॉब, हो सकता है कि वो अभी जॉब में बिजी हों, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हो सकता है आपके लिए बहुत ही लकी हो। ठीक है, तुम्हारी आंखें बहुत नशीली, अगेन आया ये, आपकी आंखें उनको कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं। आई एम नॉट द वन फॉर यू, ऐसा भी सोचते हैं कि मैं ही केवल आपके लिए नहीं हूँ, वो और भी बहुत सारे लोग आपको चाहते होंगे। वो कह रहे हैं कि मैं आपके और अपने बीच में सारी चीज़ें ठीक करना चाहता हूँ। मई, हो सकता है कि आप लोग मई में सेपरेट हुई हों, या मई में आपकी या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो या फिर एनिवर्सरी हो। वाई आर यू सो सेक्सी, ऐसा कह रहे हैं कि आप इतने सेक्सी क्यों हैं। द इंटेंसिटी ऑफ दिस कनेक्शन स्केयर्स मी समटाइम, कई बार तो इतना वो जो है डर जाते हैं इस रिलेशनशिप से। चिल्ड्रन, हो सकता है कि चिल्ड्रन इफेक्ट डाल रहे हैं आपकी लाइफ में। कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना चाहते हैं। यू आर क्यूट, आप बहुत ही क्यूट हैं। कटिंग चाय, लेट्स गो, वो आपके साथ में जो है डेट पर जाना चाहते हैं, कटिंग चाय लेना चाहते हैं। ठीक है, मेरी नींद उड़ गई है, उनकी नींद उड़ गई है रातों की, आपके बारे में सोचते रहते हैं। मैंने बताया था यहाँ पर कि वो बहुत टेंशन में हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपसे रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं और वो जल्द ही आपके पास आएंगे, आपके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए अभी हम देख लेते हैं डाइस रीडिंग। देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप या आपके पर्सन जब याद करते हैं दूसरे को तो बटरफ्लाई दिखते हैं। आपके पर्सन, हो सकता है कोई कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हों या आप कर रहे हों, या आप कोई होली बुक्स पढ़ते हों या आपको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक हो। आपके पर्सन जो है तारे गिनते हैं, गॉड से आपको मांगते हैं, चंद्रमा से आपके लिए प्रे करते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि उन्होंने स्टेप आगे ले लिया है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। मैंने बताया था यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। वो आपसे ही अपना संसार देखते हैं, आपसे अपनी दुनिया देखते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपकी तरफ बहुत फास्ट आना चाहते हैं, या हो सकता है कि आपके पर्सन जो है एयरफोर्स में हो सकते हैं। वो बहुत ही सैड की एनर्जी में है। टावर इंटरवेंशन हुआ था जिसकी वजह से आप लोग सेपरेट हुए थे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब वो आपकी लाइफ में बहुत ही खुशियाँ लाना चाहते हैं, उनका निशाना सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, बहुत ही अच्छा पर्सन देखते हैं। आप काफ़ी इमोशनल हैं तो वो उनको जो है फील होता है कि आप काफ़ी इमोशनल पर्सन हैं। अबंडेंस लाना चाहते हैं, खुशियाँ देना चाहते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही पर्सन बहुत उदास है एक दूसरे के बारे में सोच करके, क्योंकि टावर की वजह से आप लोग सेपरेट हुए थे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बहुत ही फास्ट वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं चार्म्स रीडिंग। देखिए आपकी फ़ोटो को वो अपने सीने से लगा कर रखते हैं या अपने वैलेट में रखते होंगे, वो बहुत ज़्यादा देखते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, आपकी दुनिया में क्या चल रहा है, सब कुछ देखते हैं। यहाँ पर टावर की वजह से आप लोग सेपरेट हुए थे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि गाइस की आपकी लाइफ में वो अबंडेंस लाना चाहते हैं, या लव का प्रपोजल आपको देना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वो आज़ादी चाहते हैं, जहाँ भी जिस भी सिचुएशन फंसे हुए वहाँ से वो निकलना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है एयरफोर्स या आर्मी में हो सकती हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप गाइज ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो। रेजोनेट तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।